हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है एलजी का टीवी, जो कि दो एलवीडीएस चैनल्स में आता है। मतलब इसका जो टिकॉन बोर्ड है इसमें से दो एलवीडीएस के कनेक्शंस आउट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो एलवीडीएस, जिसमें से एक में सप्लाई के साथ फुल एचडी कनेक्शन है, दूसरे में फुल एचडी कनेक्शन है। तो ये किस तरह से इसमें हम दूसरा बोर्ड फिट कर सकते हैं उसके बारे में पूरा वीडियो है। सो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो यूनिवर्सल बोर्ड आता है वो है सिंगल, मतलब एलवीडीएस वाला, जिसमें हम फुल एचडी का एक ही कनेक्शन लगा सकते हैं, और जो कि हमें जिनकी ज़रूरत है। आप ये क्लोजअप पे लीजिए, ज़रा इसको और क्लोजअप ले लो। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई के वायर के बाद यहाँ पर 12 जोड़ी है, 12 जोड़ी, ठीक है, मतलब 24 वायर हैं और यहाँ पर 24 वायर हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो फुल एचडी के कनेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट जो चैनल का जो फुल एचडी कनेक्शन है वो इसमें आएगा और सेकेंड फुल एचडी का कनेक्शन इसमें आएगा, और ये प्रोसेसर आईसी के थ्रू सिग्नल्स बन के बाहर आएंगे। और डीसी टू डीसी आईसी का जैसे कि आपको पता ही है आउटपुट कनेक्शन डिफरेंट ही रहता है, 12 वोल्ट आने के बाद सारा फंक्शन डीसी टू डीसी आईसी, उसके पैनल वोल्टेजेस, बूस्ट अप वोल्टेज जितने भी बनते हैं वीजीएच वीजीएल, सब ये आईसी बनाएगी। टिकॉन प्रोसेसर का काम इतना ही है कि ये जो एलवीडीएस सिग्नल है इनको डिकोड करके ये दो एफटीसी केबल हैं इसके थ्रू पैनल की सोर्स पीसीबी पे जाने देना है उसका काम। और आप देख सकते हैं कि ये सिंगल केबल है, तो इसको मैं डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें दो मुझे चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडिशनल एक और बोर्ड लगेगा इसके अंदर, जो कि आप ये क्लोजअप पे लीजिए। ये बोर्ड की ज़रूरत होगी इसमें, क्योंकि ये बोर्ड क्या करेगा कि इसमें एक इनपुट देने के बाद दो आउटपुट्स देगा, जो कि हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो इनपुट और आउटपुट किस तरह से देना है वो पूरा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप वोल्टेजेस देख सकते हैं कि यहाँ पर वीसीसी पॉइंट है, ठीक है, ये तीन वीसीसी पॉइंट है और एक ग्राउंड है इधर, और बाकी चैनल्स जैसी 30 पिन केबल लगता है हमारा, जो नॉर्मल केबल जो लगेगा वो 30 पिन इसी तरह से लग जाएगा। कुछ इस तरह से, बाकी की एनसी रहेगी पिन, जो कि लिखा हुआ है एनसी, आप देख सकते हैं क्लोजअप में लीजिए, आप सभी पिन एनसी है। सो ये हमारा 8 बिट हमने वायरिंग जो है इसको कनेक्ट कर दी, जो कि बोर्ड से आ रही है। अब 8 to 12 बिट, मतलब 10 बिट जो भी वायरिंग बनेगी इस प्रोसेसर से, हमें दो चैनल्स मिलेंगे, एक चैनल है यहाँ पर और दूसरी चैनल है इधर। एक चैनल में सप्लाई रहेगी साथ में फुल एचडी का कनेक्शन, आउटपुट जो दूसरा कनेक्शन रहेगा वो एलवीडीएस का दूसरे पॉइंट पे से आउट होकर ये दोनों एलवीडीएस के कनेक्शंस पे लगेगा। इसके साथ केबल भी आपको मैच करना होगा, जो कि एक में आप देख सकते हैं कि सप्लाई है और दूसरे केबल में सप्लाई नहीं है। और लगाने का तरीका क्या है कि ये जो एक एनसी पिन है आपको वो देखते हुए इसको कनेक्शन ऐसे देना है, ये एक कनेक्शन हो गया, और दूसरा कनेक्शन जो है इस पे इस तरह से लगेगा कि सप्लाई जो है इसकी इस साइड आएगी। आप इसको क्लोजअप पे ले लो, तो ये दो कनेक्शन हमने लगा दिए। और साथ में इसको
जो बोर्ड को हम जो रिजोल्यूशन देंगे वो है 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080 वाला रिजोल्यूशन, जो कि मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इस बोर्ड में लगा रखा है। सो आप चेक कर लेते हैं कि टीवी में पहले से ही मैंने ये कनेक्शंस डायरेक्ट कर रखे हैं ताकि पावर ऑन और बैकलाइट ऑन देने के बाद सभी वोल्टेजेस उसमें से निकल रहे हैं, बैकलाइट भी जल रही है जैसे कि आप इन छेदों के थ्रू देख सकते हैं। अब वीडियो सिग्नल देने की बारी है। वीडियो सिग्नल देने के लिए अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। कुछ ये ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर आ गया इसमें, और LG का ही रिमोट काम कर रहा है इसके अंदर। इसे मैं USB मोड में कर देता हूँ अभी, जो कि USB कनेक्शन नहीं दिया है। आप ये देख सकते हैं कि आप ये जो है पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर आ रहा है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। ठीक है, एकदम कंप्लीट पिक्चर है। और कोई भी पिक्सल्स की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो कि हमने फुल HD के दो कनेक्शन वाले जो टिकॉन बोर्ड थे उस पर ही ये बोर्ड लगाकर, एडिशनल एक बोर्ड लगाने के बाद ये मुझे फुल पिक्चर दे रहा है। तो देख लिया दोस्तों, एक और मेरा वीडियो जो कि आपके बहुत काम आने वाला है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा ये वीडियो को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल्स को ताकि आपको नए नए वीडियो, अच्छे वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने मिले। शुक्रिया दोस्तों।